हेलो एवरीवन, कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में से फिफ्थ को आज कवर करूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, ट्रांसलेट एंड एक्सक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है, ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर होता है जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है, इसके लिए ऑप्शन हमारे पास होता है, जो देखो लाइन बाय लाइन जो चेक करता है वो इंटरप्रेटर चेक करता है। जो कंपाइल होता है वो किसी भी प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक ही टाइम वो चेक कर लेता है। तो इसका आंसर होगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर दो, इज ऑप्स प्रिंसिपल। देखो ऑप्स का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्स का जो आंसर है वो है इनहेरिटेंस। जो इसका ऑप्स का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ इनहेरिटेंस में यूज होता है। ठीक, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ से। तो इसका आंसर है तीन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। तो कोबोल जो यूज किया जाता है वो कॉमर्शियल है। ठीक है, इसका नाम है कॉमर्शियल, साइंटिफिक है नहीं है, स्पेस रिलेटेड नहीं है और मैथमेटिकल भी नहीं है। तो कोबोल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका यूज किया जाता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। ठीक है, वाणिज्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, देखा यहाँ पर रैम स्टैंड फॉर। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा वन बाइट इज इक्वल टू। तो वन बाइट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, होता है 8 बीट। ठीक है, तो एक वन बाइट अगर हम कलेक्ट करेंगे तो 8 बीट कहलाएगा। अगर 8 बीट को कलेक्ट कर देंगे हम तो क्या कहलाएगा, 1 बाइट। ठीक है, इसको समझ सकते हो, ये मेमोरी का यूनिट है। ठीक है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो होती है बीट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन है SMPS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका आप देख सकते हो, इसका आंसर रहेगा 1। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मॉडेम। क्या करते हैं मॉडेम जो होता है, इसको कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जब कोई भी डेटा एक मीडियम से चलती है तो वो जो मीडियम होता है वो डिजिटल फॉर्मेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी होता है वो 0 और 1 को रीड करता है। तो जब भी यहाँ से जब डेटा ट्रेवल करेगी तो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगी और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो वो चेंज हो जाती है डिजिटल में। ठीक है, यानी डिजिटल जब यहाँ से जब सेंडर भेजेगा तो डिजिटल फॉर्मेट होता है और रिसीवर भी उसको डिजिटल फॉर्मेट में रिसीव करेगा। बीच में जो डेटा ट्रेवलिंग होता है उसको बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन यहाँ पर है वीडियो इज कॉल्ड। ठीक है, वीडियो को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछा गया है, स्क्रीन भी बोलते हैं और मॉनिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है बायोस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ दिया है कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज कौन है। तो जो फादर ऑफ सी लैंग्वेज है उनका नाम है डेनिस रिट्ची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 16 बीट माइक्रोप्रोसेसर मींस दैट इट हैज। तो इसका आंसर है
16 डेटा लाइंस, ठीक है, जो 16 बिट से मतलब होता है वो 16 डेटा लाइंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा लैन। देखो जो एरिया के अकॉर्डिंग स्मॉल कहा जाएगा तो उसको कहते हैं लैन, और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नेटवर्क कहेंगे वैन, ठीक है। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक और होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी के अंतर्गत आता है, इसका रेंज सीमित होता है, और जो वैन होता है इसका अप टू 100 Mbps इसका ट्रांसफर रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है एन एप्लीकेशन सूट, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, इस वजह से एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तो इसका एक सूट होता ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का 2। देखो होता क्या कि जब हम बाइनरी नंबर होता है 0 और 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लैन, कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लैन, देखो ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब है सेयर इन्फॉर्मेशन एंड सेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करना पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत। देखो पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं ना, फिजिकल पार्ट्स, उनको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और मॉनिटर भी इसके अंतर्गत, प्रिंटर भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, यानी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है मदरबोर्ड के थ्रू कैसे, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास है BAY, ठीक है, उसका आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेड शीट, तो इसका आंसर है रो एंड कॉलम। देखो जो स्प्रेड शीट होता है ना, देखो अगर हम बात करें एक्सेल पे जितनी भी लाइनें होती हैं, ये सब लाइनें हैं, इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इनको बोलते हैं रो, और जब इसका कॉम्बिनेशन जब बहुत सारा हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शीट। और जो ये ब्लॉक होता है ना, ये इंटरकनेक्टेड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला ब्लॉक, और यहाँ से, और यहाँ से, और ये क्रॉस जो कर रहा है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग सेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द, इसका आंसर है कर्सर, ठीक है।